हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू यूपीएससी नीति हम देख रहे हैं हमारा एक्सपेक्टेड एमसीक्यू फॉर यूपीएस प्रिंटेंटी सेवेंटी सीरीज ये है इसका पार्ट थर्टी वन जिसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनवायरनमेंट तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एनमेंट से अभी बचे हैं तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओलिवोरस एस इज अ तो ओलिवरस एस टी क्या है यह हमने क्वेश्चन पूछा है देखिए इसके ऑप्शन क्या दिए गए अ न्यू टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द ऑयल कंजन ऑन द एनवायरमेंट ठीक है मतलब जो हमारा ऑयल कंजम्शन है उसको कम करने के लिए ये न्यू टेक्नोलॉजी बनाई जाने वाली ऐसा ये स्टेटमेंट है अ नॉन हजार बायो

इसका आंसर है is, आप है है बी इज़ जानते हैं हैं पिछले साल नवंबर नवंबर में नौवेंगर, में में दिसंबर हमारे चेन्नई पे ऑयल ऑयल हो गया था तो तो इसके इसके लिए ये ये एक बायो प्रोसेस है, जो डील करेगी ऑनशोर तो देख लेते है इसके बारे न्यूज़ थी सबसे वो यूज का, काम क्या करते

Oil 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 oil-free spill with a specific nutrients eat away the the sludge, leaving the oil completely oil -free and harmless. इतनी भारी मात्रा में ऑयल इकट्ठा हो गया था कि ये, मतलब, हमारे यहाँ पे पूरी technology भी अच्छे से available नहीं थी कुछ लोग जो है यहाँ पे बाल्टी यूज करके ये जो ऑयल थे वो निकाल रहे थे पानी में से तो मतलब ऐसी कंडीशन थी लेकिन फिर भी आ, ये मतलब एक गवर्नमेंट द्वारा लाया गया था ओलिवर्स एस तो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट हो जाता है ये जो है इसका माइक्रोब्स का ओल्डेस्ट फॉर्म है ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ एंड मिलियंस ऑफ देम कैन फिट इन टू द आई ऑफ द निडल इतने छोटे होते ये एंड इन द पास्ट द टेक्नोलॉजी वॉज सक्सेसफुली एम्प्लॉयड टू रीमेडिएट ऑयल स्पिल दैट ऑक्यड ऑन मुंबई कोस्ट इन दर ट्वेंटी ड्यू टू कोलिजन बिटवीन द टू शिप्स ठीक है मतलब ये ऐसी बात नहीं कि ये टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पे पहली बार यूज की है इससे पहले भी 2010 में मुंबई कोस्ट में जब ऑयल स्पिल हुआ था तब इसको यूज कर दिया गया था और पिछली वीडियो में एक बात जो थी एक इसके बारे में बताना हम भूल गए थे वो बात क्या है कि कभी कभार है ना एक ट्वेंटी uh, में एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि एक कोई तो चीज बताई गई थी और इसमें हमारा गवर्नमेंट uh, का कोई प्लान है या नहीं ऐसी बात पूछी गई थी तो देखिए ऑयल स्पिल के बारे में गवर्नमेंट का कोई प्लान है क्या जी हाँ एक प्लान है उसका नाम है नेशनल ऑयल स्पिल कंटिजेंसी प्लान जो मतलब इसको ये

प्लान जो है वो रेडी हो गया है मतलब कहां पे यूज करना है हमने एक बार एक एनवायरमेंट के क्वेश्चन में देखा भी था वो एक्सप्लेनेशन में मतलब आगे एक्सप्लेनेशन में बताते हैं उसके उसको भी तो इस वजह से जो है वो हमारा बायो टॉयलेट जो है वो अभी फिर से न्यूज में है तो हो सकता है यूपीएससी क्वेश्चन तो रिपीट करता है तो इस पर कोई क्वेश्चन जो है बायो टॉयलेट्स पे पूछ लिया जाए तो देख लेते हैं हम हमारे स्टेटमेंट क्या हो कौन कौन से देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है द बायो टॉयलेट कॉन्सेप्ट इज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ मतलब ये जो ता, बायो टॉयलेट्स की जो कॉन्सेप्ट है ये बनाई गई है डीआरडीओ द्वारा ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है नेक्स्ट इज अमोनिया एंड वाटर वेपर आर द ओनली एंड प्रोडक्ट

में स्केप uh, कर दिया जाता है और जो इस साल ये न्यूज में क्यों है तो इंडिया फर्स्ट ग्रीन रेल कॉरिडोर वॉज इनोग्रेटेड ऑन दी वन वन फोर किलोमीटर लॉन्ग रामेश्वरम मन्नामुराई स्ट्रेच इन तमिलनाडु ठीक है तो रामेश्वरम से लेके रामेश्वरम हमारे एपीजे अब्दुल कलाम सर यहाँ पे मतलब इन, इसकी वजह से ये रामेश्वरम जाना जाता है इंपॉर्टेंट है और मन्नामुद्राई यहाँ से ये यह वन एक सौ चौदह किलोमीटर का जो है ये एक स्ट्रेच बनाया जाएगा जहां पे सबसे पहली बार जो ग्रीन आ, जो हमारे बायो टॉयलेट जो है वो यूज किए जाएंगे द ग्रीन कॉरिडोर इंश्योर्स अ जीरो टॉयलेट डिस्चार्ज ऑन द रेल ट्रैक एज अ पार्ट ऑफ इट्स कमिटमेंट टू द क्लीन एनवायरमेंट अंडर द स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत इनिशिएटिव ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट हमें एक इनिशिएटिव है

ज्यादा थ्रेट किसको है इससे कम करते हुए हमें डिक्रीजिंग थ्रेट पे जाना है तो अगर आप देख सकेंगे जो है है वो सबसे ज्यादा थ्रेट होता है। मतलब ये तो अभी चले गए ना तो ये सबसे ज्यादा थ्रेट वाले होते हैं तो हमें तीन में से मतलब सी और डी में से एक ऑप्शन चाहिए एक के बाद कौन से आ सकते हैं तो देखिए इसका जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो है वो सबसे ज्यादा है, इसके बाद डेंजर्ड होते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड के बाद डेंजर्ड और सबसे कम जो है इस ग्रुप में दिए गए वो है वल्नरेबल वल्नरेबल के से कम होते हैं नियर थ्रेटन तो ऐसा ही है तो हमारा आंसर हो जाता है सी दैट इज वन थ्री टू एंड फोर ठीक है तो यहाँ पे हमने एक जो इमेज है वो कर दिया देखिए सबसे पहले कौन सा होता है लीज कंसर्न मतलब इनकी संख्या बहुत ही अच्छी मात्रा होती है अच्छी मात्रा में होती है इनके बारे में मतलब कोई कंसर्न करने की बात नहीं होती है एक्सटिंग इन वाइल्ड मतलब ये जो है ना इन सी इन सीतु या फिर एक्सित ट्रीटमेंट से ही ये होते हैं है। मतलब ये वाइल्ड जो हमारा यहाँ पे से चले मतलब एक्सटिंग हो चुके होते हैं और ये एक्सटिंक है जो आखिरी है मतलब ये सभी पूरा पूरी जो

वो, वो, वो वेरी हाई एक्सट्रीम रिस्क इस, इस कंडीशन में आते हैं ये वेरी हाई ठीक है वेरी हाई एक्सट्रीमली इन रिस्क कंडीशन इसमें आते हैं ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो एंडेंजर्ड होते हैं ये आते हैं सिर्फ मतलब ये वेरी हाई था ना वेरी एक्सट्रीमली हाई तो यहाँ पे आते हैं वेरी हाई ठीक है एक्सट्रीमली हाई यहाँ पे वेरी हाई एंडेंजर्ड में आता है वेरी हाई और जो हमारा वल्रेबल है इनमें हाई ऐसे मतलब जो जस्ट थोड़ी सी चेंजेस है लेकिन इनके लिए पांच क्राइटेरिया जो है यहाँ पे के लिए साथ साथ एंडेंजर्ड के लिए और हमारे क्रिटिकली uh, एंडेंजर्ड के लिए इनके लिए क्राइटेरिया ए टू ऐसे पे भी यहाँ पे भी क्राइटेरिया ए टू e, और एंडेंजर्ड में भी और वनरेबल में भी क्राइटेरिया ए टू e, ए ऐसे जो है वो बनाए गए लेकिन बस इनका एक्सट्रीमली थ्रेटन है वेरी थ्रेटन है या फिर नियर थ्रेटन मतलब हाई रिस्क ऑफ थ्रेटन है इस पे ये तीन ग्रुप जो है वो बनाए जाते हैं नेक्स्ट जो है हमारा नियर थ्रेटन मतलब ये जो है ना ये पहले तीन जो हमारे थ्रेटन के ग्रुप थे एक्सट्रीमली uh, मतलब जो हमारा क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल इन तीनों ग्रुप्स में नहीं आते हैं लेकिन ऐसी भी बात नहीं कि ये मतलब बहुत ही अच्छी इनकी संख्या है मतलब ऐसे है कि अभी तो ये इनकी संख्या ठीक है लेकिन

ये जनरली ब्लाइंड होते है ऐसा है ये क्वेश्चन है नेक्स्ट इज इट हैज बीन लिस्टेड एज अ नेक्स्ट इज इज इट इन द शेड्यूल ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 तो देखिए ये जो टू बारे में बात है थर्ड ये बात सही है तो थ्री सही है मतलब हमारा एक ऑप्शन कट गया और ये जो जनरली ब्लाइंड होते ठीक है तो ये बात जो है ना ये भी सही है मतलब ये पूरी तरह से ब्लाइंड नहीं होते ये जो अपनी आंखों का इस्तेमाल अपना लोकेशन कहां पे कहा uh, मतलब जानने के लिए कर सकते हैं लेकिन ये पूरी तरह से ब्लाइंड नहीं होते लेकिन ये जहा पे कहा गया कि जनरली ब्लाइंड ये जो है पहला और तीसरा इसके बारे में सही है सो हमारा आंसर हो जाता है सी दैट इज वन इन

बहुत ही ज्यादा थ्रेटन है ऐसे स्केड्यूल वन में होते हैं टू थ्री फोर ये जो है ये थोड़ी सी कम थ्रेटन में होते हैं और अगर जरूरत पड़ने पर इनको स्केड्यूल फाइव में एज अ वर्मिंग सकता है ऐसे होते हैं थ्री एंड फोर में और जो फाइव में होते हैं उनको वर्मिंग करा दिया जा, जा सकता है मतलब इनको मारने की परमिशन एक साल भर के लिए मिल सकती है और स्कड्यूल सिक्स जो होता है इसमें प्लांट्स होते हैं ठीक है ठीके? ऐसे ही याद रखिए अभी ये हमारा हो गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पूरा जो नाइनटीन में जो कोई भी स्कड्यूल है वो हमने बता दिए बाकी जो इसके हमारा गंगे डॉल्फिन के बारे में देख लेते हैं इट लिवस इन ऑन द वर्ल्ड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज एंड इस थ्रेट

एक इनका काम मतलब ये इनकी संख्या जो है कम होती जा रही है साथ ही साथ यहाँ पे डिफोरेस्टेशन है पोल्यूशन है और एं, एंटेंगलमेंट इन फिशरीज तो फिशरी मतलब फिशिंग नेट जो है इनमें ये आ जाते हैं तो इस वजह से भी इनकी संख्या जो है वो कम होती जा रही है नेक्स्ट इज हैव बीन पोस्ट ओवर फॉर देयर ऑयल ठीक है ऑयल होते हैं आप तो जानते हैं कुछ ये एक, आ, डलिवर ऑयल टाइप की जो हमारे बचपन में गोलिया आती थी ऐसे ही जो है ना ऑयल इनके ऑयल पाने के लिए मतलब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है 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 इसलिए इनकी पोचिंग भी होती नेक्स्ट इज द हैबिटेट डिग्रेडेशन पे हमने कुछ जो वो डैम्स बनाए हैं इस गंगा रिवर पे तो इसकी वजह से इनका जो हैबिटाइट है वो कम होता जा रहा है तो इसके डिग्रेडेशन की वजह से भी इनकी मतलब जो संख्या है वो कम होती जा रही है नेक्स्ट इज द इंडियाज नेशनल एक्वेटिक एनिमल तो ये हमारा देश का एक्वेटिक एनिमल है इस पर आई थिंक ट्वेंटी में क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने कि हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है तो यह गैंग

Uh, अपना नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर कर दिया गया था नेक्स्ट इज दे आर जनरली ब्लाइंड बट यूजेज द अल्ट्रासोनिक साउंड टू कैच डेअर प्रे ठीक है मतलब ये जैसा कि हमने पहली बार कहा कि आंख नहीं होती इनकी लोग लेकिन ये अपनी जो मतलब ये आंख ब्लाइंड होते हैं लेकिन अपनी आंखों का इस्तेमाल ये लोकेशन पाने के लिए और साथ ही साथ अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं सो देट ये अपना प्रे जो है वो यहाँ पे मतलब देख सके इसलिए ये, ये यूज करते हैं अल्ट्रासाउंड सॉनिक इसके बारे में ये फैक्ट जो है वो देख लीजिए तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन आई होप यू लाइक इट बताइए कैसे थे और थैंक यू सो मच एंड हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड हम आज जो है वो एक मैप बेस्ड जो हमारा एशिया का है वो भी ऐड करने वाले हैं तो उसे भी देखिए और एक बात आपसे कहना चाहूंगा जी क्या है ना कि आप मतलब कमेंट्स में थैंक यू वगैरह लिखते हैं वो बात तो अच्छी है लेकिन आप अपना जो कुछ मतलब आपने आज एक वीडियो देखा तो उस पर पांच क्वेश्चन थे उसके बारे में अगर आप कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे सो मतलब जो कमेंट तो होगी ही और साथ ही साथ हमें भी अच्छा लगेगा कि कुछ जो है मतलब आप से भी हमें कुछ फीडबैक आ रहा है तो एक ज्यादा मतलब अच्छी एक अपनी कम्युनिटी जो है वो अच्छे से डेवलप हो सकेगी साथ ही साथ जो बाकी जो आगे जो बच्चे आते हैं वो अगर आपके कमेंट्स देखेंगे तो वो वो भी आपके मतलब गुड विशेष जो है आपको करेंगे सो so, देखिए अगर हो सकता है कोई एक लाइन अगर आपको पता है कोई भी मतलब ऐसे नहीं कि इसी वीडियो के पर्टिकुलर बारे में जो कोई भी साल भर के इंपॉर्टेंट कोई फैक्ट है वो अगर आप पता है तो आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए ठीक है हमारे कमेंट्स में सो थैंक यू सो मच हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे बाय